श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्यावा विद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। अपन अपनी पिछली BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है भारतीय राजनीति विचार है, उसमें अपन आज पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण JP आंदोलन, जो 1975 में इंदिरा गांधी के समय जो आंतरिक अशांति के नाम पर जो आपातकाल लगाया था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है वो जयप्रकाश नारायण, जिसे JP आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें इनकी अग्रणी भूमिका थी। जयप्रकाश नारायण है इनका 1902 से लेकर 1979 जयप्रकाश नारायण है इनका जन्म है वो 1902 में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1902 में हुआ था जन्म। कहाँ हुआ था? ये बिहार के रहने वाले थे, तो इसका जन्म है वो बिहार राज्य के छपरा जिले में, एक गांव था जिसका नाम था सिताब दियारा नामक गांव में जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था। राज्य कौन सा है? बिहार। और जिला कौन सा है? छपरा। और गांव का नाम क्या है? सिताब दियारा। जयप्रकाश नारायण है वो अपने जो इंटर की परीक्षा, मतलब 10वीं की परीक्षा है, इसको बीच में छोड़कर उस समय जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से 1922, तो इसमें ये कूद पड़े थे। आपको पता ही है कि गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन है वो फरवरी 1922 में वापस ले लिया था, परंतु इस असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का स्वयं रूप से चल रहा था, उस समय जयप्रकाश नारायण है वो इंटर क्लास में पढ़ रहे थे और अपनी इंटर की पढ़ाई को बीच में छोड़कर इस असहयोग आंदोलन है इसमें कूद पड़े थे। अब अपने जयप्रकाश नारायण है इनकी जो समाजवाद की धारणा पढ़ेंगे, तो समाजवाद की धारणा से संबंधित इनके क्या विचार थे? समाजवादी धारणा ये एक ऐसे समाज है उसको मूर्त रूप देना चाहते थे, जिसमें किसी के साथ में, किसी भी नागरिक के साथ में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और उसमें निवास करने वाले सभी जो नागरिक है उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो जो समाजवादी इनकी जो धारणा है जयप्रकाश नारायण की, इसको अपन तीन चरणों में बांट सकते हैं। इनके जो समाजवादी विचार है ये तीन प्रकार के थे। पहला है मार्क्सवादी समाजवाद। अपना जो जीवन का प्रारंभिक चरण है इसमें इनका झुकाव है काल मार्क्स की तरफ था, और ये काल मार्क्स के विचारों से प्रेरित थे और समाज में कोई क्रांति है वो आकस्मिक करना चाहते थे। दूसरा जो इनका रूप था लोकतांत्रिक समाजवाद, और लोकतांत्रिक समाजवाद में ये जो समाजवादी जो विचार इनके दूसरे चरण में जयप्रकाश नारायण ने जो लोकतांत्रिक समाजवादी विचार है इनका प्रतिपादन किया, और इसमें उन्होंने कहा जो मार्क्सवाद है उन विचारों को छोड़ दिया था, और इन्होंने कहा कि भारत में है अपने जो ये समाजवाद लोकतांत्रिक है, इससे ही अपने देश के जो लोग हैं उनका विकास कर सकते हैं। समाजवाद का वास्तविक अर्थ है सामाजिक राज्य व आर्थिक राज्य, सामाजिक का मतलब यही है अपन जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर अपने अपने साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक का मतलब है सभी जो लोग हैं उनको जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, उनको एक न्यूनतम मतलब सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तो इस प्रकार की कहते थे। और ये कहते थे सामाजिक और आर्थिक रूप से सभी लोगों को क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए। तो अपने तीसरा इनका जो है विचार था वो गांधीवाद समाजवाद या सर्वोदय। गांधी जी ने तो सभी वर्ग है उनका उदय, तो इस गांधी जी के इस विचार से ये है वो प्रेरित थे जयप्रकाश नारायण, और इन्होंने कहा
ये अपने पढ़ा था जीवन के जो प्रारंभिक चरण है इसमें ये मार्क्सवादी थे और अपने जो आगे ये मार्क्सवाद से क्या बन गए, गांधीवाद बन गए। तो इन्होंने जो ये सर्वोदय की जयप्रकाश नारायण की जो अवधारणा है, इन्होंने जो गांधी जी की जो सर्वोदय की अवधारणा है इसमें ये मुख्यतः चार बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदु पर आधारित है? चार बिंदुओं पर आधारित है। पहले में ये कहता है कि साधनों की पवित्रता, गांधी जी ने जिस प्रकार से साधन और साध्य की पवित्रता पर बल दिया था उसी प्रकार इन्होंने कहा कि अपने जो साधन जिन साधनों का हम उपयोग करते हैं वो पवित्र होने चाहिए। तो साधनों की पवित्रता गांधी जी के इस विचार से ये वो इस विचार की तरफ ये प्रेरित थे। दूसरा है मानवीय मूल्यों की सर्वोदयता, मानवीय मूल्यों की सर्वोदयता, मनुष्य उनका विकास होना चाहिए। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक में आर्थिक व सामाजिक रूपांतरण, मतलब आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन है इसमें जो जनता की शक्ति में विश्वास, जनता की शक्ति में विश्वास, ये कहते हैं कि समाज में वर्तमान समय में परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन में ये किस में विश्वास करते थे? जनता की शक्ति में विश्वास करते थे कि समाज का आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन है वो जनता है, इस जनशक्ति से ही हो सकता है। चौथा इन्होंने बताया था अपना मूलभूत कार्य को बताया था विकेंद्रीकरण की, जो शासन करने वाली शक्तियाँ हैं ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो है सभी लोगों का अपना हक है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा जो शक्तियाँ हैं उसमें केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, शक्तियों को बांट देना चाहिए। तो अपन ने ये पढ़ा जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण है इन्होंने प्रेम अहिंसा और प्रेम, जयप्रकाश नारायण ने प्रेम अहिंसा प्रेम अहिंसा और करुणा प्रेम अहिंसा और करुणा है इस शक्ति को संगठित रूप में इसने लोक शक्ति की संज्ञा दी। किस शक्ति की संज्ञा दी? लोक शक्ति की। क्वेश्चन आया हुआ एक बार कि जयप्रकाश नारायण है इनके लोक शक्ति में इनमें से कौन सी है वो सम्मिलित नहीं है, तो अपने विद्यालय ने प्रेम अहिंसा और करुणा है इसको सम्मिलित रूप से ये क्या कहते हैं? लोक शक्ति कहते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण है वो इसे लोक शक्ति कहते हैं। तो ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण के लोक शक्ति में क्या क्या सम्मिलित है, तो तीन तत्व प्रेम अहिंसा और करुणा है, इनको इन्होंने लोक शक्ति कहा है। इन्होंने जो ये गांधी जी का जो सर्वोदयी समाजवाद था इसमें व्यक्ति के नैतिक पक्ष पर बल दिया कि लोग है किसी भी राज्य को अपने लोगों का जो नैतिक पक्ष है उसे मजबूत करना चाहिए, उन्हें चरित्रवान बनाना चाहिए ताकि समाज में रहने वाले सभी वर्ग है उनका विकास हो सके। जयप्रकाश नारायण ने समाज में कहा कि समाज है वो अहिंसक होना चाहिए, शोषण मुक्त होना चाहिए, किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए और जो क्रांतिकारी और जो रूपांतरण है परिवर्तन है समाज में जो सामाजिक और आर्थिक जो सामाजिक परिवर्तन करना है इस ये परिवर्तन है वो अहिंसक गांधी जी के तरीके से और शोषण मुक्त, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए इसमें यह समाज परिवर्तन है इसका ये दर देते हैं। इन्होंने कहा कि जो सर्वोदयी समाजवाद की है ये प्रतियोगिता के आधार पर नहीं होगा, इसमें राज्य में निवास करने वाले जो नागरिक है इनमें आपस में प्रतियोगिता नहीं होगी, किसके आधार पर होगा? सहयोग के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? सहयोग के आधार पर होगा। तो ये सहयोग है इसके आधार पर ही सामाजिक जो अर्थव्यवस्था है इसमें परिवर्तन करना होगा। इन्होंने कहा कि सर्वोदयी जो समाज है जिस समाज में सभी वर्गों का भला हो, इस समाज की संरचना हो जाति या वर्ग पर नहीं होनी चाहिए, जाति और वर्ग को समाज में नहीं होना चाहिए, जाति और वर्ग के आधार पर हो समाज बंटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये अपने जयप्रकाश
जो नारायण जी है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जय प्रकाश नारायण है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है वाई सोशलिज्म। वाई सोशलिज्म इनकी एक पुस्तक है, वाई सोशलिज्म जिसे क्यों समाजवाद, इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने कहा कि भारत में समाजवाद है, इसकी स्थापना की या समाजवाद है इसकी क्या आवश्यकता है। बताया था 1949 में जयप्रकाश नारायण ने अपना एक लेख लिखा था जिसका नाम था माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म। तो इसका जो इंडेक्स होता है मेरी समाजवाद की तस्वीर, मेरी समाजवाद की तस्वीर। मेरी समाजवाद की तस्वीर है, इसके माध्यम से इन्होंने अपने निम्नलिखित विचार बताए थे। इसमें पहला कहा था ग्राम पंचायत के द्वारा सहकारी खेती होगी। ग्राम पंचायत के द्वारा सहकारी खेती होगी, मतलब सहयोग पर आधारित खेती। दूसरा इसने बताया था अपनी बुक, ये अपने लेख माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, मेरी समाजवाद की तस्वीर में, इसने कहा भारी जो उद्योग है, भारी उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व होगा। भारी जो उद्योग है इस पर स्वामित्व किसका होगा? राज्य का होगा। तीसरा जो इसमें इसने बताया वो है जो छोटे उद्योगों पर उत्पादकों का नियंत्रण होगा। छोटे उद्योगों पर जो उत्पादक है उनका नियंत्रण होगा। और चौथा इसमें बताया था राज्य की भूमिका है वो, इनमें राज्य की भूमिका है वो क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। तो इस प्रकार की बातें 1950 में लेख लिखा था माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद की तस्वीर में किस प्रकार का अपना समाज होगा। तो इसमें उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत पर खेती और सहकारी सहयोगी भावनाएं होनी चाहिए, भारी उद्योग है उन पर स्वामित्व राज्य का होना चाहिए, छोटे उद्योग है वो उत्पादक जो वर्ग है उसके हाथ में होनी चाहिए, और राज्य की भूमिका वो क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। अब अपने जयप्रकाश नारायण का, इनका मानववाद का जो विचार है, जयप्रकाश नारायण का मानववाद का जो विचार है अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। मानववाद से संबंधित इनके क्या विचार थे? तो ये मानव जो स्वभाव है इसके संतुलित जो पक्ष है इसकी ये है वो व्याख्या की इन्होंने कि मानव का स्वभाव क्या है, संतुलित है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य मूलतः केवल इन्होंने कहा है कि मनुष्य मूलतः केवल अच्छा या बुरा ही नहीं है। इन्होंने मानव स्वभाव के बारे में कहा है कि मानव का स्वभाव है वो अच्छा या बुरा ही नहीं है। उनके अनुसार मनुष्य का जो स्वभाव है ये सामाजिक कारकों से मिलकर है मनुष्य के स्वभाव का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार से मनुष्य जिस समाज में रहता है उसी का उसके जो समाज है उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वभाव है आचरण को, मनुष्य का जो स्वभाव या जो आचरण है, स्वभाव या जो आचरण है इनको प्रयत्न करके या कोशिशों के माध्यम से इसको बदला जा सकता है। तो मनुष्य का जो स्वभाव है इसको बदला जा सकता है, और जिस समाज में वो रहेगा उसी प्रकार का उसका स्वभाव होगा। जयप्रकाश नारायण ने मानव केंद्रता को किसी भी सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की साधकता है इसका मानदंड माना है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही विचारधाराएं हैं, इन विचारधाराओं का विरोध किया। इन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं में पूंजीवादी और ये समाजवादी व्यवस्थाएं हैं,
इन्होंने मनुष्य को क्या बना दिया है, एक यंत्र या मशीन बना दिया है। मनुष्य की जो सृजनात्मक शक्ति है इसका इन्होंने क्या कर दिया, हास कर दिया है। मनुष्य है वो एक मशीन या यंत्र की भांति काम कर रहा है, तो उसकी जो सृजनात्मक सत्ता है उसका हास हो गया है। सृजनात्मक सत्ता है, जो सृजनात्मकता है वो खत्म हो गई है, और इसके कारण मनुष्य को उसके वास्तविक आनंद है उनसे क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। मनुष्य अपना जो वास्तविक आनंद है उसकी विशेष अनुभूति नहीं होती है। तो जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही विचारधाराओं का क्या किया है, दोनों ही विचारधाराओं का घोर विरोध किया है। जयप्रकाश नारायण है, इनका दृढ़ मंत्र था कि धर्म विचारधारा राज्य एवं विज्ञान, धर्म विचारधारा राज्य एवं विज्ञान आदि सभी को साधन तथा मनुष्य को यह क्या मानता है, साध्य मानता है। जयप्रकाश नारायण है ये मनुष्य को साध्य मानता है, बाकी ये सभी धर्म है, विचारधारा है, राज्य है, विज्ञान है, ये सभी क्या है, साधन है। ये सभी इनको साधन है, क्योंकि ये सभी साधन है और मनुष्य है इनको प्राप्त करने वाला, है वो, मतलब तो मनुष्य ये लक्ष्य है, तो मनुष्य है इसकी ओर ध्यान देना है। इन्होंने कहा है, जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि केंद्रीय सत्ता को मान्यता देते हुए भी मानव समुदाय से पृथक अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। जयप्रकाश नारायण ने मानव की आत्मा की स्वतंत्रता तथा मानव के आत्म जो साक्षात्कार है उसको मानवीय प्रयत्नों का सर्वोच्च बिंदु है वो स्वीकार किया है। अब अपन जयप्रकाश नारायण ने इनका मानववाद संबंधित विचार पढ़े थे, इसमें उन्होंने कहा था कि मनुष्य को उसकी जो वास्तविक आनंद है उससे दूर नहीं रहना चाहिए। समाजवाद और पूंजीवादी जो विचार कर रहे हैं उसने मनुष्य को है वो एक यंत्र या मशीन बना दिया है। तो अपन जयप्रकाश नारायण की संसदीय उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जो पाश्चात्य लोकतंत्र है, पश्चिमी देशों का जो लोकतंत्र है इसमें सभी लोग हैं, इनको समानता का या बराबरी का हक नहीं है, तो इसकी आलोचना की है। और इन्होंने दल विहीन लोकतंत्र, जयप्रकाश नारायण है इन्होंने दल विहीन लोकतंत्र है, इसका इन्होंने समर्थन किया है कि लोकतंत्र में दल विहीन कोई भी दल नहीं होना चाहिए, इस बात का इन्होंने समर्थन किया है। ये जयप्रकाश नारायण है लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर थे, लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर थे। और उन्होंने जो ये पश्चिमी जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसकी एक कट्टु आलोचक थे, इसकी उन्होंने आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिमी जो लोकतंत्र है ये इसको पश्चिमी जो लोकतंत्र है या संसदीय लोकतंत्र है इसको लोकतंत्र के उन्होंने अलग तंत्र की संज्ञा दी कि इसमें थोड़े से लोग हैं वो एक बहुसंख्यक वर्ग है इस पर शासन करते हैं। और इन्होंने जो दल विहीन लोकतंत्र है इसका इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। तो दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन करने वाला भारतीय विचारक कौन था, तो कौन थे, जयप्रकाश नारायण जी थे। उन्होंने पश्चिमी जो लोकतंत्र है इसकी आलोचना की, उन्होंने कहा कि व्यक्ति के सामाजिक पश्चिमी जो लोकतंत्र है उसने व्यक्ति के जो सामाजिक स्वभाव है उसकी उपेक्षा की है। इसमें व्यक्ति मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक जो स्वभाव है उसकी तरफ इसमें पश्चिमी लोकतंत्र है इसमें ध्यान नहीं दिया है। तो इस प्रकार इन्होंने ये कहा है, जयप्रकाश नारायण ने संसदीय जो प्रजातंत्र है इसमें कहा है कि इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमिका है, इस पर बल दिया गया है कि व्यक्ति की भूमिका क्या है उसी पर बल दिया गया है। इन्होंने कहा है कि संसदीय शासन है वो वास्तविक रूप में किसका शासन है, अलग मत का शासन है। संसदीय शासन क्या है, अलग मत का शासन है, इसमें छोटा सा वर्ग है वो संपूर्ण देश पर शासन करता है। तो इन्होंने ये संसदीय जो लोकतंत्र है इसके आलोचक है। इन्होंने संसदीय लोकतंत्र को मिथ्याचार
इसको मिथ्याचार को प्रोत्साहन देने वाली प्रणाली बताया कि संसदीय लोकतंत्र है ये मिथ्याचार को बढ़ावा देती है। उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष है, इन्होंने ये बताया कि संसदीय जो लोकतंत्र है इसका सबसे बड़ा दोष है केंद्रीयकरण। इसमें क्या है, शक्तियाँ है, इसका क्या हो जाता है, केंद्रीयकरण हो जाता है और शासन करने वालों में, शासकों में क्या जाती है, तानाशाही आ जाती है और वो अपनी जनता के हितों की उपेक्षा कर बैठते हैं। उन्होंने दल व्यवस्था को भी संसदीय लोकतंत्र का, इनमें जो दल व्यवस्था है कि अगर दल होंगे तो दल व्यवस्था है, ये भी संसदीय जो व्यवस्था है इसी का एक रूप है। और इसमें है ये कोई भी दल है वो अपने, कोई भी दल होगा वो अपने जो हित है, अपने जो लाभ है उसी को महत्व देगा और दूसरे जो दल है, दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पाएगा। उन्होंने जो संसदीय लोकतंत्र को बताया कि ये प्रणाली विकृत है, संसदीय जो प्रणाली है विकृत है और साथ में खर्चीली भी है, इसमें बहुत ज़्यादा रुपये है वो क्या होते हैं, खर्चे रहते हैं, चुनाव करते हैं, तो इसमें इसी एक गरीब देश है जिसमें जो अपन चुनावों में जो पैसे खर्च करते हैं मतदान में, उस पैसे से अपन सामाजिक योजनाएं चला सकते हैं, तो इसको इन्होंने खर्चीली प्रणाली बताया था। और इन्होंने दल विहीन लोकतंत्र है इसका समर्थन किया था, जयप्रकाश नारायण है दल विहीन लोकतंत्र है इसका समर्थन किया था। तो इस प्रकार अपने जो संसदीय लोकतंत्र है इसे पढ़ लिए, इस प्रकार अपने आज जयप्रकाश नारायण है इसके जो ये विभिन्न पक्ष है इनका अपने अध्ययन किया। आगे वाली क्लास में अपने जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आगे पढ़ेंगे, तब तक अपने इसे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।